आज हम एग्रीकल्चर फील्ड पर आए हुए हैं और मैं पूछना चाहूँगा कि आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप अपने बारे में बताएं और अपने ट्रायल के बारे में बताएं। मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर से हूँ लास्ट ईयर, और सर यहाँ पे मैंने अपने एक हमारे लास्ट ईयर में यहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, थीसिस होता है, ट्रायल लगता है, तो इसमें सर मैंने पोटैटो के ऊपर मैंने ट्रायल लगाया है। जो मेरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एनपीके लेवल ऑन ग्रोथ एंड ट्यूबर यील्ड ऑफ पोटैटो, तो इसमें मैंने मेरा जो वैरायटी है पोटैटो का, इसमें मैंने कुकरी चिप्सोना 1 यूज़ किया है। तो इसमें जो मेन प्रोसीजर ये है कि हमें लेवल्स एनपीके लेवल ग्रोथ के ऊपर और ट्यूबर यील्ड के ऊपर हमें ये चीज़ देखनी है। तो इसमें से हमने जो डाटा लिया है, फर्स्ट टाइम हमने उसमें इसका 50 डेज में लिया है, 75 डेज में लिया है, इसमें प्लॉट मैंने 21 लिया है, और ये जो इसका डिज़ाइन है आरबीडी है, रेंडोमाइज्ड प्लॉट डिज़ाइन है, और इसमें जो 21 हाँ ट्रीटमेंट सर, इसमें मैंने एक कंट्रोल होगा जो T1 है, इसमें मैंने एक कंट्रोल लिया है, इस बोर्ड में मैंने वो सारे लिखा हुआ है, इसमें T2 T3 T4 T4 5 T6 एंड T7 लिया है। तो सर इसमें जो टी इसमें जो मैंने 50 और 75 डेज में मैंने जो डाटा ऑब्जर्व किया है, तो इसमें से T7 और T5 और T4 में मैंने थोड़ा सा चेंज देखा है। T1 जो कंट्रोल है उसमें कोई हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं किया है, लेकिन T7 में T5 और T4 में कुछ एक्स्ट्रा मैंने देखा। T7 में सबसे ज़्यादा और पोटैटो का ग्रोथ और उसका जो साइज़ है वो काफ़ी मतलब बाकी प्लॉट से ज़्यादा है, और T4 का भी ज़्यादा ट्यूबर मतलब उसमें नोटिस किया गया है, और T5 में भी सेम टू सेम है, बाकी में इतना ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन फर्स्ट का जो हमारा यील्ड का था 7 to 6 kg इसका पोटैटो का यील्ड था, और नेक्स्ट टाइम मैंने जो डाटा लिया था उसका 15 to 16 kg का, तो टोटल ऐसे 20 अबव kg उसका यील्ड आया है। अभी सब बाकी अभी हार्वेस्टिंग सब फेब 20 or 21 को इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद बाकी रिजल्ट पता चलेगा। जो भी आपके ट्रीटमेंट है T1 से लेकर T7 तक, ये आपके फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आप बता पाएंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेहतर है। ओके, थैंक यू।